हाय एवरीवन एंड हेलो डियर, वेलकम टू काव्य क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काव्य क्लासेस में एंड मी सपना मौर्य। आज हम डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो डियर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टडी ऑफ मसल्स। तो मांसपेशियों का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो डियर आंसर इज मायोलॉजी। क्या है आंसर? इज मायोलॉजी। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर, स्टडी ऑफ फंगी। कवक का अध्ययन किस ब्रांच के थ्रू किया जाता है? तो आंसर इज, थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंस है इसमें, वाई है और इसमें आई रहेगा, माइकोलॉजी। एंड थर्ड, स्टडी ऑफ एल्गी। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, किस ब्रांच के अंतर्गत होता है? तो आंसर इज हाइकोलॉजी। एंड अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो कवक या शैवाल, एल्गी और फंगी शैवाल कवक, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जब एल्गी और कवक, पहली बात तो ये कि ये इसको भोजन देता है एंड ये इसको रहने का स्थान देता है, और जब ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो इन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? लाइकेंस कहते हैं। फिर बात करेंगे कि शैवाल और कवक के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है? तो वो रिश्ता सहजीविका कहलाता है। इट मीन्स बोथ आर एल्गी फंगी रिलेशन बिटवीन इट इज कॉल्ड सिंबायोटिक। तो देखते हैं, एल्गी बोथ आर एल्गी फंगी रिलेशन बिटवीन कॉल्ड एज सिंबायोटिक रिलेशन। ओके डियर, इतना आपको समझ में आया होगा, सिंबायोटिक रिलेशन। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां से बनता है कि ये जो लाइकेन होते हैं इनका लाइकेन जो होते हैं ये लिटमस पेपर, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आगे, लिटमस पेपर हमें कहां से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। एंड सेकंड पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में,
वहां क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के सूचक, ठीक है, ओके डियर, वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अभी जो इतना हम बताए आपको, तो अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, तो फोर्थ ब्रांच हमारी क्या है, या फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ स्पाइडर, इट मींस मकड़ियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो आंसर इज आर्केनोलॉजी। डियर ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगी, जैसे रीट, यूपी टेट, एस टेट, तो बहुत ही सी टेट, इन सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा, क्लास की तरह इसको अटेंड करिए। एंड अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री। ओके डियर, तो स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री इट मींस वृक्ष की उम्र का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो आंसर इज डेंड्रो आर्केनोलॉजी। ओके डियर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा। ओके डियर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसमें से थोड़ा हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ओके डियर, तो जैसे ये हमारा कोई ट्री है। ओके डियर, तो ये हमारा कोई ट्री है और इसमें ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ रिंग बोलते हैं। ओके डियर, क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग, वार्षिक विलय बोलते हैं इसको हिंदी में, वार्षिक विलय। अब हम आपको इसको समझा देते हैं कि जैसे हम किसी पेड़ की या किसी वृक्ष की एज जानना चाहते हैं, एज पता करना चाहते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो जैसे ये इसमें जितने रिंग हैं, ओके डियर, मानते हैं एग्जांपल एज 50 रिंग है, ठीक, इसमें ग्रोथ रिंग 50 है, तो 50 रिंग है, ग्रोथ रिंग 50 है, तो हम ये जिसमें
छह होते हैं उतनी उसकी एज होती है, तो इसकी एज 50 ईयर होती, इसकी एज 50 ईयर है, मतलब ये जो वृक्ष है ये 50 साल का वृक्ष है। ओके डियर, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर स्टडी आप एज आर्ट्री की बात करेंगे, वृक्ष की उम्र का अध्ययन तो हम डेट्रो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, एंड अगर किसी वृक्ष की हमें आयु पता करनी है, उम्र पता करनी है कि ये कितने साल का वृक्ष है, तो जो वृक्ष पे ग्रोथ रिंग बनी होती है, जितनी उसमें ग्रोथ रिंग होगी वही उसकी एज होगी। ओके डियर, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रीट, यूपी टेट, एसटेट, एसटेट, सीटेट सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर करिए और एक अलग से नोट्स बनाइए और अच्छे से इसे नोट करिए। ओके डियर, तो अब हम बात करते हैं आगे, इतना नोट डाउन कर लिए होंगे आप, तो अब हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स फलों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो आंसर इज फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओके डियर, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ सिक्स पॉइंट है स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, फूलों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो एंथोलॉजी। ओके डियर, एंथोलॉजी, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंथोलॉजी। ओके डियर, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो सो प्लीज आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड देन आगे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आई हो या फिर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके डियर, तो हैव ए नाइस डे, बाय, आई मीट यू नेक्स्ट डे। ओके डियर, बाय।